अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात। हेलो सलाम सत श्री अकाल नमस्कार कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। झूलेलाल स्कूल में पढ़ने वाली अपनी दो पोतियों के साथ एक्टिवा पर सफर कर रहे रतनलाल पारवानी एक हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि उल्हासनगर के फालोलेन परिसर में एक ट्रक के साथ उनकी एक्टिवा के टक्कर के बाद ये बुरा हादसा हुआ। रतनलाल पारवानी इस समय उल्हासनगर के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट है। गाड़ी से आ रहा था तो पीछे से गाड़ी से जा रहे थे पीछे से ट्रक ने ठोकर मार दिया पावर लाइन तो अब गाड़ी पे थे क्या पैदल थे गाड़ी तो पुलिस में कंप्लेंट किया आपने पुलिस में कंप्लेंट किया अभी गए अभी लेके गए तो अभी आप क्या चाहते हैं मांग क्या है सर अभी क्या होगा ये मेरे को भी नहीं मालूम है इसका क्या इलाज होगा या आगे क्या होगा इसका अभी मेरी एक महीना भी नहीं हुआ मेरी वाइफ शांत हो गई है किधर रहने का किधर आप बीच सेक्शन आज सवेरे मेरे तो पापा मेरी बेटी को जिला स्कूल के लिए पारो लाइन से जा रहे थे जाते जाते एक ट्रक वाले ने बड़ी बेरहमी से मेरे पापा के ऊपर गाड़ी तो चढ़ा दिया आज मेरे पापा तो हॉस्पिटल में है उनकी बहुत स्थिति तो खराब है और मैं चाहूँगा कि ये जो भी तो उनकी जान को तो हुआ है वो उनको तो भरपाई पूरी पूरी मिले शहर वालों से भी तो सहयोग मिले और मुझे यहाँ की पुलिस से भी ये मुझे मांग है कि भाई मुझे तो पूरा साथ दे और उसको तो पकड़ के उसको सजा दे। नाम क्या था पापा का? मेरे तो पापा का नाम था रतनलाल पारवानी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर शहाड परिसर के कोणार्क रेसिडेंसी प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र शासन की ओर से रोक लगाई गई थी। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये रोक हटा दी गई है। आप देख रहे हैं शहाड परिसर का ये कोणार्क रेसिडेंसी प्रोजेक्ट जहां पर ये काला बोर्ड लगाया गया था सील के रूप में। जी हां कोणार्क का रेसिडेंसी प्रोजेक्ट सील किया गया था लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सील हटाई जा रही है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन के अधिकारी इस सील को हटा रहे हैं यानी कि अब कोणार्क रेसिडेंसी का जो प्रोजेक्ट है वो बिना किसी रुकावट के सक्रियता से चलन में रहेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब कमर कस ली है कब्रिस्तान के मुद्दे पर।
उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने की सड़क पर उन्होंने गड्ढा खोदा और कब्रिस्तान की मांग की, कब्रिस्तान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। देखते हैं। शहर में आज के वक्त में यदि देखा जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा गरमाया मुद्दा है वो ये है कि जिस प्रकार से लंबे समय से मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर जिस प्रकार से लगातार जो कि कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है उनका हक मिला जाए, जो कि उनका हक है उन्हें मिल जाए, तो ऐसे में यदि बात करेंगे तो कई जो है लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसमें राजनीतिक बड़े बड़े पक्षों द्वारा भी यही पहल की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है मुसलमान भाइयों को जो है उनका कब्रिस्तान और जो कि उनका हक है वो मिल जाए। ऐसे में यदि बात करेंगे तो नगर पालिका के बाहर कई बार जो है इसी को लेकर विरोध भी प्रकट किया गया और कई बार जो है अनशन भी किए गए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका का विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है किया गया ताकि जल्द से जल्द जो है उन्हें कब्रिस्तान मुहैया करा के दिया जाए। बहरहाल हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से आज के समय में मुस्लिम समुदाय जितना भी जो शहर के हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जब उनके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनके जनाजे को ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कल्याण अंबरनाथ जाना पड़ता है और उसके बाद भी वहाँ पर जो है उन्हें फिर दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है कि वहाँ के प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पर अब जो है किसी भी प्रकार का जनाजा नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में कई दिक्कतों का सामना जो है मुस्लिम समुदाय को लगातार करना पड़ रहा है जो कि अपने हक के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में महानगर पालिका के सामने फिर से विरोध किया गया और काफ़ी समुदाय जो है वहाँ पर जमा हुआ और उसके साथ ही साथ वहाँ पर नगर पालिका के बाहर गड्ढा खोदा गया और ये मांग की गई कि जल्द से जल्द जो है उन्हें कब्रिस्तान का जगह मुहैया करा के दी जाए। ऐसे में यदि बात करेंगे तो प्रशासन भी लगातार उन्हें यही आश्वासन देती आ रही कि जल्द से जल्द जो है इन्हें इनके हक जो है मुहैया करा के दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि लगातार जिस प्रकार से जो कि लंबे समय से ये दिक्कतों का सामना मुस्लिम समुदाय को करना पड़ रहा है तो कब जाके इन्हें जो है कब्रिस्तान की ज़मीन मिल पाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के पैनल क्रमांक 17 में उपचुनाव को लेकर वहां की टीम ओमी कालानी भारतीय जनता पार्टी साई पार्टी की उम्मीदवार साक्षी पमनानी वलेचा, इनके प्रचार के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किस तरह के सवाल पूछे गए और किस तरह के थे जवाब, देखते हैं। पैनल नंबर 17 में जो उपचुनाव है जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कालानी और साई पक्ष की तरफ से साक्षी पमनानी जी को हमने खड़ा किया है। 6 अप्रैल को चुनाव है, आज से हमारी इलेक्शन की तैयारी चालू है। हम लोग तीनों पक्ष मिलके साक्षी पमनानी को जिताएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 17 नंबर पैनल में जो कार्य नहीं हुए हैं, यहाँ की जो आपसी झंझटों की वजह से दोनों नगर सेवक का एक नगर सेवक और एक नगर सेवक दोनों का आपस में तालमेल बराबर न होने की वजह से हमने अच्छा उम्मीदवार दिया है साक्षी पमनानी जी। आज उनको अनुभव है, एजुकेटेड है, धार्मिक विचारों की है और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे पैनल वाले उसको अच्छी तरह से जिताएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें उन्होंने भी जो जो सवाल किए साक्षी ने बड़ा होशियारी से उनके जवाब दिए। हम पत्रकारों से यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जो भी इस पैनल में हम कार्य करें या इस पैनल के जो भी कैंडिडेट्स है उसके लिए आप सबकी सहयोग लगेगी, शहर की सहयोग लगेगी। मैं सभी पैनलवासी और शहरवासियों को अपील करता हूं कि उल्लासनगर में जो 17 नंबर पैनल में उपचुनाव है उसमें जो भी आपके इस 17 नंबर पैनल में रहने वाले रहवासी है, कोई रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा, कोई यार होगा, आज कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कालानी साई पार्टी का सत्ता है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो आज ये कॉर्पोरेटर बन के आज रूलिंग में रहेगी। इस पैनल का जो भी कार्य है, चाहे रास्ते का हो, चाहे पानी की समस्या हो, गार्डन की समस्या हो, चाहे कोई भी अन्य समस्या हो, उसके लिए खड़ी उतरेगी। यंग है और इसका भाई रोशन वाले शाह वो भी इसी पैनल में है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सहयोग देंगे। क्योंकि अभी पैनल नंबर 17 बम है, हम लोगों ने टीम ओमी कालानी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने एक सहयोग उम्मीदवार उतारा है साक्षी पमनानी जी को और हम लोगों की यही कोशिश रही है पास्ट में कि हम यंग जनरेशन को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से साक्षी पमनानी जो एक खुद पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है, खुद सक्षम है,
एक प्रोफेसर है एनसीडी स्कूल में टीचिंग करती हैं, तो हम लोगों को ये उम्मीदवार एक परफेक्ट उम्मीदवार लगी जो ये पैनल के लोगों को काम कर सके। यहाँ एक दुर्भाग्य की बात यह है कि दो कॉरपोरेटर्स जो इसी पैनल के दोनों ऑपोजिट पार्टी के कॉरपोरेटर्स हैं, उन दोनों का आपस में नहीं जमने की वजह से ये पैनल में काम आज तक हो नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें देख करके हम लोगों ने जॉइंटली बीजेपी और टीओके ने जॉइंटली ये डिसाइड किया कि हम साक्षी मंदानी जैसी एक यंगस्टर को आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोगों ने जॉइंटली इस बार रेखा ठाकुर जी जो आज के टाइम पे उल्लासनगर की सबसे एक्टिव नगर सेविका मानी जाती है, वो भी टीचिंग में है, वो भी प्रोफेसर है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके हमने साक्षी जी को इस पैनल में उतारा। देखिए मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैंने लड़ा है, बट बचपन से अपने परिवार को देखा है, अपने परिवार वासियों को देखा है, मेरे चाचा जी, मेरे फादर, मेरे भाई रोशन मलेचा, फिर मेरे साथ एक पार्टी को सपोर्ट भी है। और मैं मानती हूँ कि मेरा एजुकेटेड होना यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुख्य रोल प्ले करेगा, जहाँ सिर्फ सक्षमता नहीं है पर लोगों को जो एजुकेशन चाहिए, जो लिटरेट चाहिए लोग, कि आजकल के एक यूथ्स है जो पीछे भागते हैं पॉलिटिक्स, एक महिलाएं होती हैं जो पीछे भागती हैं, मुझे उनके लिए एक रोल बनना है कि एक ऐसा काम करो कि लोगों को इस चीज़ से पीछे ना भागना पड़े, उनको भी आगे आने को मौका मिले, उनको भी लगे। देखो आज के यूथ्स हैं वो हर कोई चाहता है कि हम देश के लिए कुछ करें, और सबको पता है कि इस राजनीति के थ्रू हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो बस उसी तरीके से मुझे इस फील्ड में जाना है और इस सारे नगरवासियों को, सारे पैनल वासियों के लिए काम करना है। उनकी छोटी छोटी जो भी ज़रूरतें हैं, पानी की हो, सड़कों की हो, जो भी ज़रूरत है वो हमें पूरी करनी है। उनके आपसी कोई लड़ाई में नहीं पड़ना हमें, जिसकी वजह से उनका नुकसान। मेरा सभी पैनल वासियों से ये निवेदन है कि आने वाले चुनाव में टीम ओमी कालानी, बीजेपी, साई पक्ष, हम सबको एक सहयोग दें और भारी मतों से जीते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बस निशा होगा। 23 मार्च के दिन मनाया गया शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव का बलिदान दिवस। 23 मार्च वो दिन था जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उल्लासनगर के फालोलेन परिसर में टीम ओमी कालानी सिख सेल के पदाधिकारी इस विषय में क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पूरे भारत में एक ऐसे शख्स को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिसके बारे में कोई परिचय देना हम लाजमी नहीं समझते। पूरे देश में आज शहीद भगत सिंह जी की श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखो 23 मार्च था जब शहीद भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह को फांसी होने से पहले कुछ समय पहले जब जेल में जेलर आए थे, जेलर ने देखो ये करप्शन, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी जो है उसी समय से चलती आ रही है। उस समय जब भगत सिंह जेल में थे तब भी उसे जेलर ने कहा था कि भगत तुम ये सब कुछ छोड़कर, आज़ादी की लड़ाई छोड़कर, ये सब छोड़कर आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सहयोग करेंगे, वही कहा था। पर उस समय भगत सिंह जी ने जो कहा था वो आज हमारी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि हम भी रह सकते थे घर में चुप रह रह कर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, रुक सतना आए तो फिर कब आज ये कह कर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफर समझ लेना तुम जी बहलाने को, हमने जब वादी पर्वत पे कदम रखा था दो याद यादे वतन आई थी समझाने को। उसी समय उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और आज उसी समय को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, इनकलाब जिंदाबाद। आज 23 मार्च शहीद दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ पर टीम ओमी कालानी सिख सेल की ओर से आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। भगत सिंह जी अपने आप में एक क्रांति थी, एक बहुत बड़ी क्रांति, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय
उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ये अपने आप में इतनी बड़ी क्रांति उभर के आई कि उसके बाद हर एक युवा इस देश के खातिर मर मिटने को तैयार था। ये अपने आप में सचमुच बहुत बड़ी क्रांति थी। आज शहीद भगत सिंह जी को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस दिन आज हम युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि भगत सिंह जी को समझिए। केवल उनके नारे लगाने से देश में क्रांति नहीं आएगी। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम युवा नारे देने में और बाकी चीज़ों में बहुत व्यस्त हैं। मैं चाहूँगा आज भगत सिंह जी से हम ये सीख लें, उनके विचारों से, उनके क्रांति से एक सीख लें कि हमें देश के लिए आज मर मटने की ज़रूरत नहीं है, हमें आज फांसी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें विचारों पर चलकर इस बढ़ती हुई गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हमें एक ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ना है और हमारा इनकलाब का नारा बुलंद करना है। और यही सही मायने में शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि होगी। बलिदान दिवस के इस मौके पर उल्लासनगर 2 ओटी सेक्शन परिसर के गुरुद्वारे के आयोजकों ने भी शहीद भगत सिंह व उनके साथियों को याद किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी का जो ना बलिदान दिवस है श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। श्री गुरु नानक नगर ओटी गुरुद्वारा 2 नंबर ओटी सेक्शन से हमारे यहाँ के जो भी नौजवान हैं, गुरु कृपा सेवा दल और सारे पंचजन मिल करके ये बलिदान दिवस कई सालों से मना रहे हैं, क्योंकि इस बलिदान दिवस से हमें प्रेरणा मिलती है। उन नौजवानों को देश के प्रति प्यार, उदार, आदर्श, ये सब हमें शहीद आजम भगत सिंह जी के शहीदी दिवस से ही मिल रहे हैं। हम उनके प्रेरणा के मार्गदर्शन में हमारे जितने भी नौजवान हैं काफ़ी नशे, जुए और विकारों से छूटे हुए हैं, और ये नौजवान हमारे आशा करते हैं कि देश के प्रति उनका भी कुछ योगदान हो तो आगे योगदान देने के लिए तैयार रहेंगे। पहले तो सभी सेवादारियों को मेरी आप सबको विनती है कि आपने जो ये कार्य रखा है इतना बहुत जरूरी कार्य है कि हमारे उल्लासनगर में किसी धर्म को मालूम नहीं, शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस होता है इसके लिए एक जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये शहीदी दिवस उल्लासनगर में जिसी भी पूरे शहर में जो भी युवा संगठन मना रहे हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के बेनती है और आप सबको मेरी नमस्कार है। जो आप ये अच्छे कार्य कर रहे, हर समाज के सोचना चाहिए कि शहीद भगत सिंह जिसने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हर समाज के युवा और को आगे आना चाहिए और उनका ये कार्य मनाना चाहिए। बोले सोनिहार। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंबरनाथ के विधायक बालाजी केनिकर ने उल्लासनगर के पूचालिया साहब मंदिर और अंबरनाथ के शिव मंदिर के विषय में विधानसभा में कई सवाल उठाए। इन सवालों पर, इन मुद्दे पर उनकी आवाज विधानसभा में किस तरह से गूंजी देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, माझ्या अंबरनाथ मतदार संघातील 956 वर्षाचा शिवमंदिर हेमाडबेनपंथी शिवमंदिर आहे। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार त्यांनी गेले 3 वर्षापासून शिवमंदिर आर्ट फेस्टिवल त्या ठिकाणी साजरा केला जातो, त्याचप्रमाणे दरवर्षी शिवरात्रीला तिथे लाखो भाविक त्या ठिकाणी येत असतात, त्यांच्या त्या राहण्याच्या त्या ठिकाणी सोय नाही आहे। अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी शिवमंदिर तील परिसराचा विकास करण्यासाठी व भाविकांच्या ज्या सुविधा पुरवण्यासाठी पर्यटनमधून साहेबांनी 2 वेळेस प्रस्ताव दिलेला आहे अध्यक्ष महोदय, तर त्यांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा अध्यक्ष महोदय। त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील उल्हासनगर 5 मध्ये पूज्य चालिया साहेब मंदिर आहे अध्यक्ष महोदय। 1947 साली भारत पाकिस्तान ज्या वेळेस फाळणी झाली त्यावेळेस त्या पाकिस्तानमधील जे सिंधी बांधव आहेत त्यांनी एक ज्योत त्या पाकिस्तानमधून आणलेली त्या ठिकाणी ठेवली अध्यक्ष मध्ये, आणि त्या आज त्यागत त्या ठिकाणी ज्योत आहे। तर त्या ठिकाणी दरवर्षी 40 दिवसाचा चालिया सिंधी बांधवांचा त्या ठिकाणी होत असतो, आणि त्या ठिकाणी देशभरातील लाखो सिंधी बांधव त्या ठिकाणी येत असतात, त्यांच्या त्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची व्यवस्था त्या ठिकाणी अध्यक्ष मध्ये नाहीये, तर त्यांच्या सुख आपल्या सुविधा पुरवण्यासाठी त्या ठिकाणी निधी देण्यात यावा, हे मी आपल्या माध्यमातून
पर्यटन मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपण बोला दिल्याबद्दल। इसी तरह पूछ चालिया साहब मंदिर के विषय में कई वर्षों से सवाल उठा रही उल्लासनगर की आमदार ज्योति कालानी ने भी विधानसभा में अपनी आवाज को ऊंचा किया। उनकी इस आवाज को सुना गया, उनके सवालों पर विचार करने के लिए संबंधित मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन भी दिया। मैंने जो डिमांड किया है सिर्फ दो छोटी सी डिमांड है, हजारों करोड़ों का बजट आप पेश करते हैं हर एक के लिए, सिंधी समुदाय के लिए आप एक छोटी सी डिमांड स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चालिया साहब हमारा पर्यटन स्थल अभी घोषित हुआ है और सिंधियों का तीर्थ स्थान है, करोड़ों रुपए उसके विकास के लिए देने, आप हमको इतना 4 करोड़ रुपया उसके फंड के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, पहले आप वो अनाउंस कीजिए। कलानीताईंनी मांडलं, मी त्यांचा नाम उल्लेख केला होता, पूज्य चालिया साहेब उल्हासनगर 5 या मंदिर परिसराच्या विकासासंदर्भात त्यांनी काही विषय मांडलेत, त्याचबरोबर उल्हासनगर शहरामध्ये काही पर्यटन संदर्भातला विकास व्हावा त्या संदर्भातही त्यांनी भूमिका मांडली, त्याचबरोबर सिद्धेश्वर मंदिर या संदर्भात त्यांनी मांडलेलं आहे। मी माझ्या कार्यालयामध्ये त्यांना बोलून संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून त्याच्यामध्ये एक डिटेल प्लॅन, एक DPR तयार करून त्याच्यामध्ये काय विकास करता येईल, काय काय आपल्याला अपेक्षा आहे, त्याच्यामध्ये काय काय घेता येईल, किती बजेट देता येईल, या संदर्भात एक विशेष बैठक घेऊन लवकरात लवकर त्याच्यावर निर्णय घेऊ। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। माता के नवरात्रों को लेकर किस प्रकार से मनाया जाएगा अष्टमी का त्योहार माता माई राजानी मंदिर में, दर्शन रात को किस प्रकार के आयोजन होंगे, आयोजक इस प्रकार में क्या विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। जय माता दी, माता माई राजानी की जय। सभी उल्लासनगर वासियों को बता दे, हार्दिक खुशी हो रही है कि माँ राजानी मंदिर में फिर से माँ नवरात्रों की धूम, नवरात्रा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पे जो भी भक्त नवरात्रे रखते हैं उसके लिए मंदिर में रात को आरती के बाद भंडारे की योजना है, यहाँ के वो भंडारे खा के अपना व्रत छोड़ सकते हैं। और 24 तारीख को शनिवार के दिन दर्शन रात के दिन माँ की चौकी है, प्रीति टंडन माँ की, माँ का गुणगान करेंगी। आइए इस माँ के मंदिर में दीपक जलाइए, माँ का आशीर्वाद लें, माँ की उपासना करें। मैं तो ये कहूँगा नवरात्रों में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई अपने घर में करें, मंदिर में करें, माँ खुश होती है और हर एक मनोकामना भक्ति की वो पूरी करती है। 25 तारीख को अष्टमी के दिन माँ राजैन मंदिर में 1 बजे हवन होगा, उसके बाद कन्या पूजन होगा, उसके बाद आम भंडारा पूरा दिन चले रहेगा। आइए सभी उल्लासनगर वालिए, मैं विनती करता हूँ माँ राजैन मंदिर में आके माँ के दर्शन कीजिए, माँ के आगे दीप जलाइए, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय माता दी, माता माई राजैन की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। माता के नवरात्र में अष्टमी व नवमी का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से की जाए पूजा आराधना, वासु सचदेव जी क्या बता रहे हैं, देखते हैं। सभी भक्तों को बता दे, बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष भी दुर्गा अष्टमी 25 मार्च रविवार के दिन है, उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रामनवमी का भी उत्सव उस दिन ही है। भक्तजनों, सुबह को आप उठकर स्नान करके माता के मंदिर में जाएं, हवन में शामिल होवे और कन्याओं को भोजन खिलावे, उनकी उम्र 4 वर्ष तक होनी चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, माता को चुन्नी चढ़ाएं और उनसे भरपूर आशीर्वाद लें। उनके साथ भगवान श्री राम जी का जन्मदिन स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश मुलानगर 5 में बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए प्रवचन न जाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं कि जो भी भक्त बहन भाई प्रातः काल उठ के माता पिता सास सौड़े और गुरु के चरणों में जो चरण झुकाता है तो उनको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके चरणों में सभी तीर्थों का निवास होता है। इसलिए प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु और सास ससुर के चरणों में हयात होवे या उनकी मूर्ति होवे, उनके चरणों में सिर झुकाएंगे तो आपके पाप भस्म और तीर्थ में जाने का फल मिलेगा। और इस दिन आप सुबह को 8 से 9:30 बजे तक सत्संग होगा, फिर 10 से 12 बजे तक कीर्तन होगा, उसके बाद मंत्रों के साथ भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। हम ये भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि जैसे आपके घर परिवार में मेल मिलाप था, भाई बहन का प्यार था,
माता पिता की आशीर्वाद थी, उनकी आज्ञा पालते थे, उनको जो वचन देते थे वो हम निभाते थे और भरत राम का मेलाप होता था। वैसे ही हमारे घर में भी वैसे ही मेल मिलाप रहे, प्यार भरे, खुशियाँ भरे और माता जी भी हम प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति अन्न धन की वृद्धि हो। दोनों का त्यौहार है, आप आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सनातन धर्म की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। संपूर्ण विश्व पोलियो से मुक्त हो। पूरे दुनिया भर में अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब मुल्क पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन रोटरी इंटरनेशनल के पदाधिकारियों का मानना है कि दुनिया में एक भी रोगी पोलियो का ना बचे। इसी उद्देश्य के साथ उल्लासनगर में 1 अप्रैल के दिन सुबह 6:30 बजे वाकेथॉन का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों से अपील की गई है कि इस वाकेथॉन में जरूर शिरकत करें। रोटरी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जिसका सपना है पूरे विश्व से पोलियो मुक्ति। इस दिशा में उन्होंने काफ़ी सालों से हर एक देश में फिनांस दिया है। भारत से पोलियो मुक्त हो चुका है। दुनिया में केवल 2 देश अभी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें अभी भी 22 केसेस पोलियो के पाए गए हैं। इस वजह से हर साल भारत में अभी भी पोलियो के डोजेस दिए जाते हैं, भले वो सरकार की तरफ से आते हैं मगर उसका पूरा फंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। जहाँ तक मेरा अंदाज है, $18 मिलियन के ऊपर रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो को मुक्त करने के लिए आज तक खर्चा किया है केवल भारत के ऊपर ही। साथियों, पोलियो मुक्ति के लिए हम रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर की जो भी क्लब्स हैं सबने एक छोटा सा वॉकेथॉन रखा है 1 अप्रैल 2018 को गोल मैदान से। यह वॉकेथॉन केवल 5 किलोमीटर के दायरे का होगा जो गोल मैदान पे ही ख़त्म होगा। इस भव्य वॉकेथॉन के लिए हमारी सभी रोटरी क्लब की तरफ से शहरवासियों को अपील है कि वे आके इस मैराथन का, इस वॉकेथॉन का एक हिस्सा बने। जो भी 16 साल से उम्र का बड़ा है, मेल चाहे फीमेल, जवान बुजुर्ग, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं सभी शहरवासियों को न्योता देता हूं कि आप इस वॉकेथॉन का एक हिस्सा बनिए। साथियों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसों के तो नहीं चल सकती, उसके लिए हमें डोनेशंस जो चाहिए वो शहरवासियों को। हम अपील करते हैं कि जो शहर के ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी असीम कृपा की हुई है, वे डोनेशंस दें। वे कॉरपोरेटर्स, वे बिल्डर्स, वे ट्राइकॉन्स आइकॉन्स, जिनको आप बहुत बड़ी शहर की हस्तियां मानते हैं, हम सभी उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो भी डोनेशन दोगे वो रोटरी फाउंडेशन में जाएगा और उसके लिए आपको जो रिसिप्ट दी जाएगी वो हमारे इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G में आपको उसका मुनाफा मिलेगा। मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि वे दिल खोलकर अपना दान दें। उल्लासनगर जो सब रोटरी क्लब्स मिली करे एक अड़े कॉज के लिए ही 1 अप्रैल वॉकेथॉन की आयोजना कई है। इन जे लिए अवां सभी के वेनती थी कजे त सजी दुनिया में पोलियो सिर्फ 2-3 कंट्रीन में मिलो है, भारत देश मुक्त थी चुको है। इन पोलियो के लिए सभी रोटरी क्लब्स उल्लासनगर जो ये वॉकेथॉन 1 अप्रैल सुबह जो 6:30 बजे गोल मैदान ता आर्तवार के डी स्टार्ट थी वॉकेथॉन वरी असांजी वापस इतें ही खत्म थी गोल मैदान ते, जैसे लिए सभी शहरवासियों के सभी 16 सालों का मथे जेके भी असांजा बुजुर्ग लेडीज चाहे जेंट्स उन्होंने रिक्वेस्ट आए तो वॉकेथॉन में शरीक थियन। सामाजिक कार्य लाए सामाजिक कार्य लाए जो रोटरी क्लब हमेशा योगदान दींदी आई है, काफ़ी उन में खर्चो थे तो उन डोनेशन मुझे भा जवर वसाणी तक बुधायो तो जेका भी सपोर्ट थी सके असांजे उल्लासनगर के सभी प्रेजिडेंट्स सा संपर्क में अचन जो भी थी सके पैं तन मन धन से उन्हें हैंडओवर कर, यह तवा के वेनती है। धन्यवाद। कोणार्क
अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशन्स में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, देखते हैं। उल्लासनगर 3 सपना गार्डन परिसर से जैकी किथानी नामक व्यक्ति की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। ये मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 3 फॉलोअर लेन परिसर में रतनलाल पारवानी नामक बुजुर्ग को एक अज्ञात ट्रक चालक द्वारा ठोकर मारने और गंभीर रूप से जख्मी करने की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति अपने एक्टिवा से जा रहे थे, उसी दौरान इस ट्रक चालक द्वारा इस व्यक्ति को जो है ठोकर मारी गई है। पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 279, 337, 338 के साथ मोटर व्हीकल कायदा कलम 184 के तहत आगे की जांच कर रही है। उल्लासनगर 4 भीम कॉलोनी परिसर में पुलिस द्वारा संतोष करडक नामक व्यक्ति को अवैध तरीके से गावटी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, संबंधित व्यक्ति से पुलिस ने गावटी दारू बनाने की सामग्री भी बरामद की है। यह पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस मुंबई दारूबंदी कायदा कलम 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।